हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा मेरे आईबीपीएस पीओ फाइनल रिजल्ट के बारे में। सो मैंने अभी तक इसके ऊपर वीडियो बनाया नहीं था, सो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स को मोटिवेट मिले, जो भी कैंडिडेट्स पढ़ाई कर रहे हैं उसको मोटिवेट मिले। सो ये मेरा आईबीपीएस पीओ का फाइनल रिज़ल्ट है जो 1 अप्रैल को आया था रिज़ल्ट। सो मैं आपको बताऊँगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं और कौन से बैंक में सिलेक्शन हुआ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं कि आईबीपीएस का स्क्रीनशॉट है मेरे रिज़ल्ट का। सो ये भी मेरा नाम है, ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मेरी कैटेगरी है और मुझे मार्क्स मिले 47.07। मुझे मार्क्स मिले 47.07 और कट ऑफ गया है 43.96। कट ऑफ गया 43.96 और मेरी कैटेगरी ओबीसी से थी। कट ऑफ 43.96 गया है और बाय चांस अगर मेरी कैटेगरी जनरल से होती तो जनरल की कट ऑफ गई है 48 पॉइंट समथिंग कुछ गई है कट ऑफ। अगर बाय चांस मैं जनरल कैटेगरी से देता तो मेरा वेटिंग लिस्ट में आने के चांसेस होते हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होता जनरल कैटेगरी से। बट बिकॉज ऑफ ओबीसी कैटेगरी मेरा सिलेक्शन हो गया। इनफैक्ट कुछ अच्छे मार्क्स से पास हो गया मैं ओबीसी कैटेगरी से। और अभी आप देख सकते हैं कि ये लाइन देखने के लिए हर स्टूडेंट बहुत पढ़ाई करता है, प्रिपरेशन करता है ताकि उनको ये चीज़ देखने। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट ये चीज़ देखने के लिए वो लोग बहुत, और मुझे फाइनली बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है अंडर ओबीसी कैटेगरी। सो आप भी प्रिपरेशन करते रहिए और ये ऐसा आपको भी देखने मिलेगा। आप अगर प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी रखेंगे तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि लास्ट में मैंने भी चीज़ फेस की थी और मैंने भी एक से डेढ़ साल ऑलमोस्ट मैंने हर एग्ज़ाम में मेरा 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स इनफैक्ट आधे मार्क्स से भी रह चुका है। सो वो चीज़ मैंने भी फेस की है। सो आप हार मत मानिए, पढ़ाई करते रहिए, आज नहीं तो कल आपका भी होगा। सो पढ़ाई करते रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।